क्या नाम है आपका? राहुल। देखिए राहुल भाई हैं और एक हाथ इनका टूटा हुआ है और एक हाथ टूटे हुए से ये चला रहे हैं अपनी गाड़ी। तो हमारे राहुल भाई देखिए कितने मेहनती हैं और कितने एक हाथ टूटा हुआ है और रिक्शा चलाते हैं ये रिक्शा। तो कब टूटा तुम्हारा यहाँ पे? इसी शुक्रवार को। तो कैसे टूटा मतलब? फ्लाईओवर से आ रहा था, पीछे गाड़ी वाले टक्कर मार दी, रिक्शा पलट गया था। हाँ लग गए यार, मुँह में लग गए, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, ये मुँह हिला लेकिन रोटी नहीं चबा पा रहा। मतलब मुँह से खाना भी नहीं खा पा रहे हो? ये टाँके भी लग रहे हैं। अच्छा टाँके लग रहे हैं। अरे तो बेटा कितना कमा लेते हो मतलब कितना? अब तो कमाई नहीं हो रही, वैसे काम कम है इसमें, जो थोड़ा बहुत वो वैसे ही भी नहीं हो रहा। क्या हुआ इसमें कमाई नहीं हो रही? क्यों सवारी देख के बैठ देने की चोट लग रही है। अच्छा कोई मिल जाता तो छोड़ देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा इसलिए तुम्हारी सवारी इसलिए नहीं बैठती कि भाई इसके टूटा हुआ है, कहाँ बैठेंगे इसके हाथ में। अच्छा ये बताओ आज सुबह से कितने पैसे कमाए आपने? सच्ची बताओ। बहुत नहीं, करीब 20 रुपये कमाए बस। 50 रुपये किराया का रिश्ता, 50 रुपये तो उसका किराया है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला अजमेरी गेट दिल्ली। अच्छा तो घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं, मम्मी पापा नहीं है, बड़ा भाई था, बड़े बहन, वो एक्सपायर हो गए। तो बेटा रहना सोना खाना सब कहाँ करते हो? मैं रिक्शे पे सो जाता हूँ, बाहर ही रहता हूँ, यहीं पर रहता हूँ, यहीं पर दिल गार्डन चौक पे। अच्छा ये रिक्शा तुम्हारा घर है? है ना, यही घर है, यही सोना, यही। और अच्छा तो टूटा हुआ हाथ तुम्हारा, ये हाथ आप बताएं डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर ही जानते हैं इस बारे में, तो प्लस्टर कर दिया। अच्छा बच गया वैसे हाथ तुम्हारा? ज़्यादा चोट नहीं लगी तुम्हारे हाथ में? कभी कभी है ना बिना ज़रूरत के भी ऐसे लोगों की गाड़ी में बैठ जाया करो। मैं अपनी गाड़ी से उतर के सिर्फ इसलिए बैठा हूँ इस भाई की राहुल की गाड़ी में, राहुल तुम्हारा नाम है ना, राहुल की गाड़ी में सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं चाहता था कि इसकी खुददारी को भी कुछ वो ना हो और ये इनकी मदद भी हो जाए। तो राहुल बड़ा ये कुछ पैसा है, खुश हो ना? रो क्यों रहे भाई? रो नहीं रहा, मेरे दर्द हो रहा है, बोलने में भी दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा मेरा नाम मुशाहिद खान है भाई, है ना। मेरा मकसद ये है कि ऐसे लोग जो है जिनको आपकी ज़रूरत है ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो ये मेरे राहुल भाई हैं, इनके हाथ में चोट लगी हुई थी और अभी हमने कुछ मदद की है, उसके बाद मैं फिर अगर आपसे मिलूँगा फिर आपकी मदद करूँगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई, अच्छे से जाओ, खुश रहो, ठीक है। जैसे आपने वीडियो में देखा ये मेरा भाई, इसका नाम राहुल था और इसका एक हाथ टूट गया था एक एक्सीडेंट में, और हाथ टूटने के बाद भी देखा किस तरह से ये अपने रिक्शे को खींच रहा था, रिक्शा पुल कर रहा था, और पूरे दिन में शायद ही 100 रुपये की इसकी मजदूरी होती हो, उसमें फिर से 50 रुपये का अपना भाड़ा भी देना होता है रिक्शे का। तो अचानक से हमें मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये खुददार आदमी है, इसने भीख नहीं मांगी, हमने इसकी थोड़ी सी मदद की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं इसकी कंटिन्यू मदद करूंगा। हम चाहते हैं कि इसको एक इसका खुद का रिक्शा हम दिलाएं, जिससे कम से कम इसको जो तकलीफ़ें हैं जो ये डेली 50 रुपये रिक्शे का देता है वो इसके बच जाए, वो ये बचा ले। कोई है नहीं, घर के बाहर रहता है, रिक्शे पर ही सोता है। तो कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम ये उस पैसे से सेव करके कोई किराए का अपना घर ले ले और कम से कम घर में रहे, अभी तो फ़िलहाल ये रोड पे ही सोता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको रिक्शा दिलाने की। आप भी अपने अपने इलाकों में देखिए ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के बगैर आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।